नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर के टॉप 5 शेयर्स के बारे में। दोस्तों, हेल्थ केयर सेक्टर काफी बेहतरीन सेक्टर है, आने वाले समय में भी ये काफी बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न देगा। तो इस सेक्टर के 5 बेहतरीन स्टॉक आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिसमें अगर आप निवेश करते हैं, मतलब इसमें से जो बेहतरीन स्टॉक्स है उसमें आपको निवेश करना है। हम आपके पास 5 स्टॉक्स लेकर आए, लेकिन इसमें से 1-2 स्टॉक ही ऐसे हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आई मे बी रॉन्ग, हम गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है दूसरा स्टॉक भी मल्टी बैगर दे दे, लेकिन हमारी नज़र में जो मल्टी बैगर है वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, डिस्कस 5 स्टॉक को करेंगे। लेकिन मल्टी बैगर कौन दे सकता है रिटर्न, ये इसके भी बात हम करेंगे इस वीडियो में। पहला है डॉक्टर लाल पैथलैब लिमिटेड, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। मार्केट कैप की बात करें 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस की बात करें 3,487 रुपीज़ है, और अगर बात करें डिविडेंड यील्ड का 0.57% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 35.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25.3% है, प्रमोटर्स होल्डिंग 55.2% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0 है, मतलब कोई भी डेट नहीं कंपनी के ऊपर। और नेट प्रॉफिट की बात करें 292 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और रिजर्व की बात करें 1162 करोड़ का रिजर्व है। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रही है। और अगर हम कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें और सेल्स ग्रोथ की, तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन सेल्स ग्रोथ दिखाया। देखिए 2011 में 237 करोड़ का था, वहां से 1,581 करोड़ का हो चुका है, और नेट प्रॉफिट 29 करोड़ का था 11 में, और बढ़कर के हो गया 292 करोड़ का, तो काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है। और वहीं बात करें चार्ट का, तो लॉन्ग टर्म में चार्ट भी इस स्टॉक का काफ़ी बेहतरीन है। और देखिए चार्ट कितना सॉलिड है, यहाँ से स्टॉक को अगर आप देखें 2016 में 786 का पर ये लिस्ट हुआ था, वहाँ से थोड़ा सा गिरावट आया, और कंसोलिडेट होने के बाद ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त रैली दिखाया 2017 से अभी तक में। देखते 289% का रिटर्न है, तो लगभग 300% का रिटर्न यहाँ पर भी दिखा रहा है आपको, 322% का रिटर्न, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। और ये स्टॉक आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा, तो जब भी गिरावट मिले तो ज़रूर इन्वेस्ट करते रहिए, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, आने वाले समय में भी आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देता हुआ मिलेगा ये स्टॉक। अगला स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। देखिए सेकेंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर चेन इंडिया में है, 17 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है। वहीं लाल पैथ लैब जो एक डायग्नोस्टिक लैब है, उसके भी कई सारे मतलब ब्रांचेज है, काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी दे रखी है उस कंपनी ने भी। अगर बात करें इसके मार्केट कैप, 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस की बात करें 281 रुपये का है, और बात करें अगर डिविडेंड का, 0 डिविडेंड देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.47%, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.52%, ये काफ़ी कम है। प्रमोटर्स होल्डिंग 70.5%, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.19 का, और टोटल डेट की बात करें 1078 करोड़ का डेट है, और रिजर्व की बात 4673 करोड़ का रिजर्व है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो निगेटिव में है। इस कंपनी में थोड़ा प्रॉफिट में उतार चढ़ाव काफ़ी देखने मिला है, तो देखिए अभी पिछले साल 95 करोड़ का पॉजिटिव प्रॉफिट था, अभी लॉस में है कंपनी। तो अगर इसमें सुधार होता है, कंपनी प्रॉफिट लगातार दिखाती है, तो अभी आपको इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज अभी आप अवॉइड कर सकते हैं इस स्टॉक को। तो थोड़ा सा देखिए अगर इम्प्रूव होता है इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट, सेल्स, तो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर रिटर्न की बात करें, देखिए रिटर्न काफ़ी दमदार दिया है। 100 रुपये का ये स्टॉक हुआ करता था 2020 में, और वहाँ से 280 रुपीज़ पे ये स्टॉक पहुंच चुका है, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक के बारे में, तो तीसरा स्टॉक है मेट्रोपॉलिस हेल्थ केयर, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। मार्केट कैप की बात है 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस की बात करें 2,998 रुपीज़ है, और डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.27% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का है, और प्रमोटर्स होल्डिंग 50.4% है। अगर प्लेज परसेंटेज की बात है 3.30% का प्लेज शेयर है, और डेट टू इक्विटी 0.16 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। टोटल डेट की बात है 112 करोड़ का डेट है, और रिजर्व की बात है 696 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो हर पैरामीटर्स पर ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। और अगर हम चार्ट की बात करें, तो चार्ट भी इस स्टॉक का काफ़ी सॉलिड है। देखिए 2019 में ये मात्र 1,000 रुपीज़ से भी नीचे का स्टॉक था, और वहाँ से 3,000 पहुँच चुका है। तो इस स्टॉक का भी चार्ट काफ़ी सॉलिड है, क्योंकि
कंपनी ही काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है, तो आप इस स्टॉक में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है, अगला स्टॉक है थायरोकेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। अगर मार्केट कैप की बात करें 7000 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 1330 रुपीज़ का है, और डिविडेंड की बात करें 1.88% का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 35.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.1%, प्रमोटर्स होल्डिंग 66.1%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.02 का है, टोटल डेट की बात करें 8 करोड़ का है, और नेट प्रॉफिट 113 करोड़ का। देखिए हर पैरामीटर्स पे काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। रिजर्व की बात करें 374 करोड़ का रिजर्व है इस कंपनी के पास, तो हर पैरामीटर्स देखते जाइए कितना बेहतरीन ये कंपनी है। और वहीं बात करें इसके चार्ट का, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, लगभग देखते हैं 114% का, और यहाँ पर 2016 में ये कंपनी का शेयर प्राइस जो है 600 था, वहाँ से काफ़ी गिरावट देखने मिला और गिर करके ये स्टॉक आ गया 443 रुपीज़, और यहाँ से फिर एक ज़बरदस्त रैली दिखाया इस स्टॉक ने। तो इसमें भी धीरे धीरे आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं जब गिरावट मिले, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल है, तो ऐसे स्टॉक में गिरावट जब मिले तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसे बनाया तो वैसे आपको यहाँ बॉटम पर आपको इन्वेस्ट करना है। थोड़ा सा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे हमेशा ध्यान जरूर रखिए, अगर कंपनी फाइनेंशियल इसी तरह परफॉर्म करती रही तो आने वाले समय में निश्चित रूप से मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। देखिए मात्र 45 करोड़ का प्रॉफिट था 2015 में, बढ़कर के हो गया 113 करोड़ का। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। मार्केट कैप की बात करें 17000 करोड़ का मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 2.64% का, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है, डिविडेंड जीरो है, प्रमोटर्स होल्डिंग 31.2% है, कोई शेयर प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी मात्र 0.23 का है, काफ़ी कम है, लेकिन इसके कई सारे मतलब चीज़ें जो है वो निगेटिव है, लेकिन कंपनी जो है आने वाले समय में धमाल मचा सकती है, क्योंकि देखिए इस कंपनी में जो है थोड़ा सा साइकिल कभी निगेटिव रहता है कभी पॉजिटिव, मतलब कभी कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रही है कभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, तो थोड़ा सा इसमें आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। अब इसमें राकेश झुंझुनवाला सर का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप उनको छोड़िए, आपके लिए जो सबसे बेहतरीन स्टॉक है इसमें वो है लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, थायरोकेयर टेक्नोलॉजी, तो ये तीन स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आप लाल पैथ लैब में इन्वेस्ट कीजिए, निश्चित रूप से आपको मल्टीपैकर रिटर्न मिलेंगे। तो ये पांच स्टॉक थे, इसके सिवा एक और स्टॉक है पोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइजेज, देखिए इसमें भी क्या है बात, 29.8% प्रमोटर्स का स्टेक है, 30% शेयर प्लेज है, बाकी बात इस कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो इसमें भी जा सकते हैं, लेकिन आपको अगर प्लेज किए हुए शेयर से अवॉइड करना है तो आप बिल्कुल इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे स्टॉक हैं इस सेक्टर से, आपको बस एक स्टॉक या दो स्टॉक ही लेना है, जिसमें से लाल पैथ लैब हो गया, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर हो गया, थायरोकेयर टेक्नोलॉजी, इसी तीन में से कोई आप एक चुन लीजिए या दो चुन लीजिए, काफ़ी है आपके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जब पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए जय।